ओके भाई लोग, पुष्पा टू द रूल का टीज़र आ चुका है, तो उसके ऊपर रिएक्शन कर लेते हैं। लैंग्वेजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं ना है बच्चा। हाँ, लैंग्वेजेस तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है इन्होंने यार। करते रिएक्शन, 3 2 1 चालू। भाई यार, ये अल्लू अर्जुन का रौला भाई। भाई यार, ये अल्लू अर्जुन भाई यार, आपको रियलाइज नहीं होता कि अल्लू अर्जुन का क्या जाम है भाई यार। मतलब बस वो पैर ही दिखा हुआ था भाई यार। ये क्या लगता है ना, कूलनेस कूलनेस। ओ भाई, तो इस बार मैं दिव्य कहूँगा। आई थिंक पहली वाली पुष्पा में अपन को इसका पोटेंशियल पता चल गया था कि किस तरीके से कलर्स को यूज़ करता है, लेकिन इस वाले में ये पूरा फुल ब्लोन वो क्या बोलते हैं, वो क्वालिटी के लिए जा रहे हैं। एंड इनके पोस्टर्स से भी वो बात पता चलती है कि मतलब जिस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया हुआ है, जो ऑब्जर्वेशन है भाई, वो कमाल का है। ऐसे सब पोस्टर्स भी नहीं बना पाते। तो जब उन्होंने वहाँ पे उतनी मेहनत दी हुई है, वो डेप्थ दी हुई है, जो वो 3 4 2 1 करके जो रिलीज़ कर रहे थे कि इतने दिन बचे हुए हैं, तो सोच मूवी में क्या डेप्थ दी होगी। ये देख के अच्छा लगा कि भाई वो रौला मेंटेन करके रखा हुआ है जो अल्लू अर्जुन का आता है। वो नहीं ऐसे साड़ी लेकर ऐसे मारा भाई यार। समझ में आता है कि यस यस, अभी भी वो चाम अगर आप सही से दिखा दो तो लोग बिल्कुल उसे खाएंगे। अच्छा लगा टीज़र। मैं ज़रूर से इसकी डिटेल्स में और ध्यान देना चाहूँगा कि क्या क्या ये दिखा रहे थे। क्या खैर, मिलते हैं अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो में। बाकी तुम बताना तुम्हें कैसा टीज़र लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी काफ़ी अच्छा था।